स्वच्छ भारत अभियान 2019 के अंतर्गत नगर परिषद शामगढ़ के कर्मचारियों ने नगर के विभिन्न चौराहों एवं मुख्य मार्गों पर लोगों को गुलाब के फूल भेंट करके स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया। मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि आज हमने नगर वासियों को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरणा स्वरूप गुलाब भेंट किए हैं एवं लोगों को अधिक से अधिक जागरूक बनाने के लिए दो तरह के डस्टबिन रखने की सलाह दी, जिसमें एक डस्टबिन में गीला कचरा, एक डस्टबिन में सूखा कचरा डालकर उसे किस प्रकार जैविक खाद बनाया जाए इसके बारे में उन्हें बताया। नगर परिषद शामगढ़ द्वारा स्वच्छ भारत अभियान अंतर्गत एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, जिसमें नगर के वरिष्ठ लोग, नागरिक, पत्रकार और प्रबुद्ध जन लोगों को जोड़ा गया है। उसमें अगर नगर में कहीं पर भी गंदगी या अस्वच्छता दिखे तो उसके तत्काल फोटो डालकर उस व्हाट्सएप ग्रुप में डाल सकते हैं, जिसे हम तत्काल उसकी सफाई करवाई जाएगी और नगर को स्वच्छ बनाया जाएगा। आज नगर पंचायत द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, इसमें जो CMO साहब जैन साहब ने हमें जानकारी दी है कि घर का कचरा जो वेस्ट है हम तोड़ के फेंकते हैं या डस्टबिन में डालते हैं, उसके द्वारा खाद भी बनाया जा सकता है, क्योंकि हमारे द्वारा घर के गमलों में या आसपास के पेड़ पौधों में हम डालते हरियाली कर सकते हैं। साथ ही नगर पंचायत की जो मुहिम है स्वच्छ भारत मिशन की, स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 में जो सर्वे चल रहा है उसके अंतर्गत मैं चाहूँगा नगरवासियों से कि शामगढ़ नगर स्वच्छता में नंबर वन बने। धन्यवाद सर। ये आज जो आप लोगों को गुलाब बांट रहे हैं, किस उद्देश्य से बांट रहे हैं? ये स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के अंतर्गत ये आने वाले समय में जनवरी माह में प्रदेश की और देश की समस्त नगरों का सर्वेक्षण होना है। उसके अंतर्गत हमें नवाचार गतिविधि कर रहे हैं लोगों को, हम लोगों को फूल देकर इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गीला कचरा आप हरे डस्टबिन में डालें, सूखा कचरा आप नीले डस्टबिन में डालें, आप घर घर गीले कचरे खाद बनाएं, सब सूखे कचरों को कम से कम उत्पादन करें। ये शासन की मंशा है कि हम सब कचरे को जीरो पर लाना चाहते हैं, हम कचरा समाप्त करना चाहते हैं। तो लोगों को ये बता रहे हैं कि कचरे का उपयोग आप रिसाइकिल कैसे कर सकते हैं, उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ये हमारे नवाचार के अंतर्गत हम लोगों से अनुरोध कर रहे हैं।